नमस्कार दोस्तों, मैं गुरप्रीत स्वागत करता हूं आपका हमारी आज की वीडियो में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं स्टार रीपर, जो कि पीडीसी कंपनी राजपुरा द्वारा पंजाब में बनाया गया है। ये आम जो स्टार रीपर हमें मिलते हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आओ मैं आपको इसके बारे में डिटेल में दिखाता हूँ सभी क्या क्या फंक्शन हमें इसमें मिल रहे हैं। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी देखने वाले हमारे आज इस वीडियो को, हमारी हिंदी वाले चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम जो भी प्रोडक्ट मैं अपने प्राइम ट्रैक्टर चैनल पे दिखाता हूँ, वो उनकी सभी वीडियो मैं इस चैनल पे आपको हिंदी में दिखाता हूँ। तो अगर आप पंजाबी समझ नहीं पाते तो हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कटर की, जहाँ से इसने गेहूँ का भूसा है जो इनलेट में लेना है। तो इसमें जो रील हमें मिल रही है, तो इसमें जे अगर आपका कई बार जो पुराने रीपर होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर आपका कई बार कोई भी पाइप रील का टूट जाता है तो हमें पूरे का पूरा जो रील है वो उसे निकालना पड़ता है, और उसके बाद हमें अपना इसको रिपेयर करवा के दोबारा से फिट करना पड़ता है। तो इसमें हमारा कम से कम जो हम टाइम मान के चलो तो घंटा या डेढ़ घंटा या दो घंटे का टाइम हमारा बर्बाद हो जाता है इसकी रिपेयर के लिए। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है कि इसकी एक पाइप को हम सिर्फ ये दो नट खोलकर निकाल सकते हैं और नई पाइप हम इसमें फिक्स कर देते हैं। हमारे पूरे कटर वायर को हमारे खोलने की ज़रूरत नहीं है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम बात करें इसके गेयर बॉक्स की, तो इसमें हमें पीडीसी का ही गेयर बॉक्स जो है जो मिल रहा है। तो आगे हम बात करें इसके वायरिंग्स की, तो इसमें हमें TR के जो वायरिंग है वो मिल रहे हैं, और बेयरिंग ये काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी वायरिंग है तो इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, हमारा कई बार हमें किसी कारण जो बेयरिंग है जो चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हमें बेयरिंग को तोड़ने या काटने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके इस नट को एलकी की सहायता से खोलकर नया वायरिंग यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, जो आपका काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। और अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो हमें इसमें पुलियों और बेल्टों पर कवर लगा मिल रहा है, तो ताकि किसी भी तरह की खेत में दुर्घटना है जो वो ना हो सके। तो उसके बाद हम अगर बात करें इसके टायरों की, तो टायरों का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें इसमें मिल रहा है। इसमें हमें 650 के टायर मिल रहे हैं जो ट्रैक्टर वाले टायर होते हैं। तो आगे हम बात करें इस इसमें हमें एक एयर कंप्रेसर मिल रहा है। एयर कंप्रेसर के साथ साथ हमें एक टंकी भी हमें यहाँ पे मिल रही है, और एयर कंप्रेसर के साथ हमें एक गेज भी हम मिल रही है इसमें, ताकि हम अपने ट्रैक्टर के टायरों में या रीपर के टायरों में हवा भरनी है वो काम भी हम इससे ले सकते हैं, और रीपर को क्लीन करने का काम भी हम इससे ले सकते हैं। और उसके बाद हम इसके नीचे की तरफ देखें तो हमें यहाँ पे एक ग्रेन टैंक मिल रहा है, जो भी हमारे खेत में दाना रह जाता है उसको हम इसमें आ जाएगा, जब भूसा बनाएंगे हम भूसा बनाएंगे गेहूं का तो इसमें आ जाएगा वो। तो इसको खाली करने के लिए हम इस लीवर का प्रयोग कर सकते हैं, एक बार में ये खाली हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो आम रीपर में हमें क्या मिलता है कि 60-70 या 80 किलो की कैपेसिटी मैक्सिमम मिलती है, तो इसमें हमें एक क्विंटल 40 किलो की कैपेसिटी मिलती है, तो बार बार हमें इसे खाली करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम रीपर के बैक में बात करें, तो मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि इसे खोल कर दिखाएं एक बार। तो आम जो रीपर हम देखते हैं, तो उसमें यहाँ पर हमें नट्स और बोल्ट मिलते हैं, ताकि कभी किसी का खेत में हमारा जो रीपर है वो चोक हो जाता है, तो हमें इसमें इसको खोलने के लिए यहाँ पे नट खोलने पड़ते हैं, टूल्स वगैरह अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, सिंपली हम इन दो लॉक्स को खोलकर इसे क्लीन कर सकते हैं, तो इससे हमारा जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है, क्योंकि नट और बोल्ट्स को खोलने के लिए कम से कम हमें 15-20 मिनट लग जाएंगे, तो ये काम भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। उसके बाद हम आगे की बात करें, तो हमारे साइड में एक
जो टैंक मिल रहा है जिसमें हम वाटर वाली पानी वाले गेलन रख सकते हैं या किसी और भी काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक टूल बॉक्स मिल रहा है, इसमें हमारे जो भी टूल्स हैं नट बोल्ट चाबी पाना वो सारा हम इसमें रख सकते हैं। तो सेफ्टी की बात मैंने जैसे पहले करी तो इस साइड भी हमें बेल्ट्स और पुलिस पर जो कवर एक मिल रहा है। उसके बाद बड़ी ख़ास चीज़ मैं आपको इसमें दिखाने जा रहा हूँ, इस रीपर में सेंसर लगा हुआ है। अगर आपके खेत में कभी भी कोई ईंट या कोई पत्थर वगैरह इसमें आ जाता है तो जनरली क्या होता है कि उसमें जो हमारे इसमें ब्लेड्स होते हैं थ्रेशिंग ड्रम में वो टूट जाते हैं। इसमें अगर कोई भी ज़्यादा भारी चीज़ आएगी, पत्थर आएगा या कुछ भी ईंट वगैरह आएगी तो ये अपने आप बीप करना शुरू हो जाएगा, हॉर्न इसमें बजना शुरू हो जाएगा और उसके अलावा यहाँ से एक ढक्कन खुल जाएगा इसका, तो जो भी कुछ पत्थर वगैरह आएगा तो अपने आप वो बाहर चला जाएगा और वो हमारे मूसे में मिक्स भी नहीं होगा। तो और एक ख़ास चीज़ इसमें हमें मिल रही है कि इसमें एक पंखा लगा हुआ है, इससे जो भी धूल मिट्टी कण भूसा उड़कर ड्राइवर की तरफ आता है, कभी कभी हवा का रुख है वो ट्रैक्टर की तरफ हो जाता है, तो वो परेशानी हमें नहीं आएगी और जो हमारा ड्राइवर है चलाने वाला है वो आसानी से इस पे काम कर सकता है। और उसके बाद हम बात करें इसके जिससे आउटलेट है जो ट्राली के साथ अटैच होगा, तो उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, लगभग 1 फुट 1.5 फुट इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा दी गई है। इससे क्या है जब हम इसको ट्रॉली के साथ अटैच करते हैं तो इसमें हमें आसानी रहेगी, ये अपने आप पहले ये ट्रॉली में चला जाएगा और उसके बाद हम इसकी हुक है जो ट्रॉली के साथ अटैच कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया कि इसके बैक में हमें एक लाइट भी मिल रही है, तो ये भी एडजस्टेबल है और अगर आप चाहें तो और भी लाइट लगा सकते हैं। इसको जो कनेक्शन है वो आगे वाली वायर के साथ मिल जाएगा और जो सेंसर को भी पावर देगा और लाइट को भी पावर देगा। अपने अपने ट्रैक्टर के साथ सिर्फ ये एक वायर कनेक्ट करनी है। तो आगे हम बात करें इसके ऑगर की, जो मेन रील के साथ ऑगर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े डायामीटर का हमें यहाँ पर मिल रहा है, ताकि जो हमारा कभी जो पराल होता है खेत में गेहूं का वो इसके साथ लिपटे ना, ताकि किसी भी तरह की कोई चोकिंग की समस्या हमें ना आए। तो अपना कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये स्टार रिपर कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगा और अगली बात हम करें इसके डिज़ाइन की, लुक वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा शानदार हमें लग रहा है और जो स्टिकर्स वगैरह है और जो पेंट वगैरह है उसका काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी का जो ध्यान है इसमें रखा गया है। और ख़ास बात इसमें और भी एक मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें जो थ्रेशिंग ड्रम है इसमें आपको डबल बास्केट मिल रही है, ताकि जो भूसा है उसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया आपको मिल रहा है और ट्रैक्टर पे लोड जाए वह कम आए इसमें। तो अगर आप इस रीपर को ख़रीदना चाहते हो, लेना चाहते हो किसी भी एरिया में भारत के, तो आप इन दिए हुए नंबरों पर कॉल करके PDC कंपनी राजपुरा को संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को आगे शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ ये वीडियो पहुंच सके। तो धन्यवाद जी देखने के लिए, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।